गुलशन ग्रोवर का कहना है कि सैफ अली खान उनकी फिल्में देखते हैं। कहा, सोचता होगा दाढ़ी कैसे लगाऊं, काजल लगा लूं। जी हाँ, हाल ही में हुए एक इंटरव्यू में गुलशन से उनके पसंदीदा नए जमाने के खलनायक के बारे में पूछा गया। उन्होंने ये भी मजाक में कहा कि उन्होंने प्रोजेक्ट्स खो दिए हैं, क्योंकि उनके तीन सबसे करीबी दोस्त जैकी श्रॉफ, संजय दत्त और सुनील शेट्टी ने नकारात्मक किरदार निभाना शुरू कर दिया। गुलशन ने पिछले कुछ दशकों में कई फिल्मों में अभिनय किया। उन्हें रॉकी, सदमा, सोनी महिवाल, खतरों के खिलाड़ी, राम लखन, सौदागर, कुर्बान, अनाड़ी, राजा बाबू, मोहरा, राजा की आएगी बारात, हेरा फेरी, कौन कितने पानी में, सड़क टू और सूर्यवंशी में देखा गया। अब हाल ही में उनसे पूछा गया कि क्या वह अपने पसंदीदा नए जमाने के खलनायक के लिए ऑप्शन चाहते हैं, तो उन्होंने कहा, मुझे पता है, मैं बताता हूँ, वे सभी लोग मेरी फिल्में देखते हैं और कोशिश करते हैं स्टूडियो में जाकर मुझे कॉपी करने की। गुलशन ने कहा कि जैकी, संजय और सुनील, मेरा रोल ये लोग करने लग गए हैं। सैफ अली खान के घर पे तो 100 पिक्चरें होंगी मेरी, रोज मेरी पिक्चरें निकाल के सोचता होगा दाढ़ी कैसे लगाऊं, आंख में काजल लगा लूं, क्या करूं। सुनील शेट्टी ने तो एक गुलशन ग्रोवर सेक्शन बनाया है लाइब्रेरीज और फोटोज का। बता दे, गुलशन ग्रोवर को हाल ही में मनोरिशा चड्ढा के साथ उनकी पहली शॉर्ट फिल्म बज गई सिटी में देखा गया। रॉयल स्टेक बैरल सिलेक्ट लार्ज शॉर्ट फिल्म्स पर रिलीज हुई। बज गई सिटी तो चोरों के जीवन में एक रात का वर्णन करती है जो सेवानिवृत्त पर विचार कर रहे हैं और एक अंतिम बड़ी दौड़ की तलाश कर रहे हैं। वह शंकर द्वारा निर्देशित एक आगामी तमिल फिल्म इंडियन 2 में भी दिखाई देंगे। फिल्म में कमल हसन, सिद्धार्थ, काजल अग्रवाल, रकुलप्रीत सिंह, प्रिया भवानी शंकर और बॉबी सिम्हा भी है। इस खबर में तो बस इतना ही। बॉलीवुड के बैटमैन की ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिएगा OTT इंडिया के साथ। रग रग में हिंदुस्तान।